ये देखिए फ्रेंड, आप यकीन करेंगे ये घर पे बने हुए बाइट्स हैं, ये गार्लिक पोटैटो बाइट्स हैं। ये बनाना बिल्कुल आसान है, देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं बनाना भी बिल्कुल आसान है। और ये घर पे बने हैं फ्रेंड, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं या फिर झटपट फ्राई करके खा सकते हैं। मैं इसके साउंड सुनाती हूँ कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल क्रिस्पी, बिल्कुल टेस्टी और बनाना बिल्कुल आसान। तो फ्रेंड चलिए बनाना शुरू करते हैं यम्मी नाश्ता गार्लिक पोटैटो बाइट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल फूड बिट टिप्स में। आज हम गार्लिक पोटैटो बाइट्स बनाने जा रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज उबले आलू लिए हैं जिसे हमने छील के रख लिया है। अब हम इसे ग्रेट करेंगे और ये हमने 20 से 25 लहसुन की कलियाँ छील के ली है जिसे हमें ग्रेट करना है, या फिर आप दरदरा कूट लीजिए या फिर पीस लीजिए, जैसा आपको आसानी लगे वैसा कर लीजिए। तो सबसे पहले आलू को हम ग्रेट करेंगे और लहसुन को थोड़ा सा दरदरा कूटेंगे। तो चलिए हम आलू को पहले ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड आलू हम ग्रेट करेंगे और लहसुन को कूटेंगे, तो दोनों चीज़ें हम करके फिर बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आलू हमने ग्रेट कर लिया है, ये देखिए तीनों आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और लहसुन को हमने दरदरा कूट लिया है, तो लहसुन भी इसमें डाल देंगे। और अब हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे ओरिगेनो 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, नमक स्वादानुसार, नमक 1 छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं, आप स्वादानुसार डालिएगा। तो यहाँ पे नमक स्वादानुसार डालेंगे फ्रेंड। और अब हम यहाँ पे डालेंगे ब्रेड क्रम्स। तो 1 छोटे कप से हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है, वो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालेंगे, तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ही डालना है। अपना डो हम चेक करेंगे, तो पहले हम 2 चम्मच डालेंगे, मिक्स करेंगे, आवश्यकता हुई तो हम और डालेंगे। ये कॉर्नफ्लोर है फ्रेंड और हमने ब्रेड क्रम्स मिलाए हैं, तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डालेंगे, तो 1 चम्मच हम और ले लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था 3 चम्मच यहाँ पे डालेंगे और अब मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड कॉर्नफ्लोर तो मिला लिया है, अब हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी जो हमने थोड़ा सा बचाया था वो भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने अच्छे से मिक्स कर दिए सारे इंग्रेडिएंट। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड 1 घंटे हो गए हैं हमने फ्रिज में रखा था और अब हमने बाहर निकाल लिया। तो चलिए इसके पोटैटो बाइट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ पे तेल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल हम लगा लेंगे ताकि ये हमारे डो जो है चिपके नहीं आपस में हाथ में। तो हमने तेल अप्लाई कर लिया। आप जितने छोटे बड़े बाइट्स बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं, गोल लंबे जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कुछ नया बनाने की। तो यहाँ पे हम सिलेंडर आकार के बाइट्स बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, ये देखने में अच्छे लगेंगे, तो इसे हम प्लेट पे रखेंगे और इसी तरीके से हम छोटे छोटे बाइट्स बना के रेडी करेंगे। इसी तरीके से बना लेंगे फ्रेंड सारे बाइट। तो फ्रेंड ये देखिए, हमने पोटैटो बाइट्स बना लिए हैं और प्लेट में रख लिया है। तो हम थोड़ा थोड़ा पोटैटो बाइट्स बनाएंगे, बना बना के हमने रख लिया। ये देखिए, एक बार का हमने बना लिया है, तो इस पर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर अप्लाई करेंगे।
इस तरीके से डस्ट करेंगे। और इसे मिक्स करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा लगाना है। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, बाकी के बाइट्स भी इसी तरीके बना के रेडी करेंगे। तो हम इन्हें फ्राई करने के लिए डाल देते हैं, तब तक हम और भी बना के रेडी कर लेंगे जब तक ये फ्राई होंगे, क्योंकि इसे मीडियम गैस पे हमें फ्राई करना है। तो चलिए हम फ्राई करना शुरू करते हैं फ्रेंड। एक पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। तो हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो तेल को हम गर्म होने देंगे थोड़ी देर फ्रेंड। तो फ्रेंड तेल हमारा गर्म हो गया, अच्छी हीट आ रही है। तो एक एक करके हम बाइट्स तेल के अंदर डालेंगे, गैस मीडियम रखेंगे फ्रेंड यहाँ पे हम, ताकि हमारे बाइट्स अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो। तो तेल हमने मीडियम करके रखा है, एक एक बाइट हम तेल के अंदर डालेंगे और इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जितने बाइट्स आराम से आ जाए उतने हम डाल देंगे तेल के अंदर, और अब हम इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने जैसा दिख रहा है, तो हम इसे पलट के चेक करेंगे। हाँ फ्रेंड, थोड़े से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो हम इन्हें सारे बाइट्स को पलट देंगे इस तरीके से, चम्मच की सहायता से एक एक बाइट्स आराम से हम पलट देंगे और इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो हम पलट पलट के इन्हें अच्छे से सेक लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हमारे सारे बाइट्स। अभी हम बाहर निकालेंगे तेल से और इसी तरीके से बाकी के हम फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे और सारे बाइट्स हम फ्राई करके रेडी करेंगे। तो इसे हम पहले प्लेट में निकालेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बाकी के भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो बाकी के भी इसी तरीके से हम डालेंगे, फ्राई करेंगे तेल के अंदर। और इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। तो हम फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड इन्हें भी। तो फ्रेंड हमारे सारे बाइट्स रेडी हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल क्रिस्पी, बिल्कुल सुंदर। और इसे टमाटो सॉस या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड, झटपट बन के रेडी हो जाते हैं और खाने में उतने स्वादिष्ट है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और मेन बात है ये झटपट बन जाते हैं। आप इसे बना के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, जब भी मेहमान आए तब इसे फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। ये नई डिश है और बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड पोटैटो बाइट्स बनाइए, खाइए, खिलाइए। और हमारी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कीमती कमेंट्स देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।